गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम क्लास 12, चैप्टर 2, लास्ट स्प्रिंग, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से लास्ट स्प्रिंग के पार्ट से क्वेश्चन और आंसर हम लोग आज देखेंगे. मैं आपको बहुत ही सहज से समझाने का प्रयास करूंगा जो भी क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है एक्सरसाइज. यहाँ सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 13. तो अगर आप फ्लेमिंगो बुक अगर आपके पास है तो आप बाद में भी इसको पेज नंबर 13 से आप इसको देख सकते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ शब्द है और जिसका अर्थ यहाँ पर मैं बताऊंगा. लुकिंग फॉर का अर्थ होता है ढूंढना. जैसे कि ये शब्द आया था लॉस्ट स्प्रिंग में, साहेब जो है वो ढूंढ रहा था. स्क्राउंजिंग, स्क्राउंज ये दूसरा शब्द था. स्क्राउंज का अर्थ भी होता है ढूंढना. लुकिंग फॉर सेम अर्थ होता है, मतलब लुकिंग फॉर का अर्थ होता है ढूंढना. ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर, मतलब किसी भी चीज को खोजना या तो ढूंढना, जो कि साहेब आलम कूड़ा करकट में वो कुछ ढूंढ रहा था. दूसरा, स्लोक देर डे लाइट आवर्स. तो स्लोक का अर्थ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ. स्लोक का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना. तो यहाँ इसका पूरा का अर्थ देख लेते हैं. स्ट्रगल परसिस्टेंट ड्यूरिंग द डे टाइम. तो दिन के समय उन लोग लगातार परसिस्टेंटली, मतलब लगातार उन लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं. रूट ओवर हिज हेड, रूफ ओवर हिज हेड मतलब उसके सिर के ऊपर छज्जा होना. रूफ, रूफ का अर्थ होता है छज्जा या छत. अ प्लेस टू लिव, इसका पूरा का अर्थ हो गया जगह रहने के लिए. प्लेस टू लिव मतलब जगह जो है रहने के लिए. आगे हम देखते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, लगातार अंतहीन गरीबी बोल सकते हैं. एंडलेस इम्पोवरिशमेंट, एंडलेस मतलब जो कभी नहीं खत्म होगा. इम्पोवरिशमेंट मतलब गरीबी, कभी नहीं खत्म होने वाला गरीबी. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब. डार्क हट मीन्स का भी अर्थ मैंने पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय बताया था, फिर भी हम देख लेते हैं. हटमेंट्स का अर्थ होता है झोपड़ी, छोटा छोटा जो उनका झोपड़ी था वो होता है. डार्क मतलब अंधेरा. एनकैपमेंट ऑफ हर्ड्स, डिवॉइड ऑफ एनी लाइट, एनी लाइट. तो छोटा छोटा उनका जो झोपड़ी है जिसमें कि कोई प्रकाश नहीं होता है उनके घर में, या तो दिया होता है या तो लालटीन होती है, और कम प्रकाश के ज्वाला में ही उनको चूड़ी बनाना होता है. इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड. इम्पोज मतलब फोर्स करना, किसी के ऊपर इतना वजन रख देना ताकि वह उससे ऊपर ना पाए, उससे उठ ना पाए. फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड मतलब इस बच्चे के ऊपर उनका जो व्यवसाय है उसको बचपन में उसके ऊपर लाद देना, इतना वजन लाद देना कि वह उससे नहीं उठ पाता है. ये तो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देख लिए जो हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हुए थे. और आगे हम देखते हैं, थिंक एज यू रीड, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 17. तो पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं. व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ये जो क्वेश्चन है आ सकता है. तो यहाँ यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स. तो साहेब जो है लुकिंग फॉर, ये शब्द आ गया है. लुकिंग फॉर का अर्थ बताया मैं, स्क्राउंज करना, ढूंढना. तो साहेब जो है कूड़ा करकट के ढेर में, डम्स मतलब ढेर, कूड़ा करकट के ढेर में साहेब क्या ढूंढ रहा है. वेर इज ही, वह कहां से है, कहां पर है. वेर इज ही, वह कहां पर है.
वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया है। तो इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको हमको देखना है। साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, तो साहेब ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, सिक्का ढूंढ रहा है, रूपी नोट्स, कुछ रुपयों के नोट ढूंढ रहा है, एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी उपयोगी चीजें इन द गार्बेज डंप्स, उस कूड़ा करकट के ढेर में। साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी, साहेब और उसका परिवार जो है वो माइग्रेटेड मतलब प्रवासी में आया हुआ है, कहाँ, सीमापुरी में, सीमापुरी में वो आया हुआ है, मतलब वहां सीमापुरी में रहता है, असलम एरिया जो कि पूरा झुग्गी झोपड़ियों का एरिया है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के जो आखिरी छोर है वहां पर ये सीमापुरी गांव है, और वहां झुग्गी झोपड़ी मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहां पर है। लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ लिविंग आफ्टर देवर अप्रूटेड फ्रॉम देर नेटिव विलेज इन ढाका बांग्लादेश, तो ये ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा है, क्या का, लिविंग आफ्टर, लिविंग आउट सोर्स ऑफ लिविंग मतलब वो जीविका का साधन ढूंढ रहा है, ताकि वहां कुछ उसको मतलब कुछ व्यवसाय मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, ताकि उसका जीविका चल सके। आफ्टर देवर अप्रूटेड फ्रॉम देयर नेटिव विलेज, जब उनको वहां से उखाड़ दिया गया, अप्रूटेड मतलब उनका जो गांव था हरे भरे मैदानों के बीच में तूफान आए और उनका पूरा घर और जो खेत खलियान था सबको उजाड़ कर दिया, तो वहां से इनको मजबूरन भागना पड़ा, आना पड़ा कहाँ, सीमापुरी में, और उन लोग कहाँ से आए थे, ढाका जो कि राजधानी है क्या का, बांग्लादेश का, वहां से इन लोग आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, तो क्या एक्सप्लेनेशन, क्या व्याख्या करता है, व्याख्या लेखक हम लोगों को देता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोग नहीं पहने हुए हैं फुटवेयर, फुटवेयर मतलब उन लोग चप्पल या जूता नहीं पहने हुए हैं, उन लोग खाली पैर हैं, तो उसके एवज में लेखक हम लोगों को क्या बतलाता है, क्या वर्णन करता है, क्यों उन लोग चप्पल या जूता नहीं पहने हैं, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर, द ऑथर कम्स अक्रॉस मेनी शूलेस रैग पिकर चिल्ड्रन हर नेबरहुड, जो ऑथर है, लेखक लेखिका है, वह बहुत सारे ऐसे कूड़ा उठाने वाले बच्चों से वो मिलती है, सूलेस मतलब जो बिना जूता पहने हुए हैं, खाली पैर रहते हैं, कूड़ा उठाने वाले बच्चों से मिलती है, चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड, कहां पर, अपने पड़ोस में वो मिलती है उन बच्चों से, अकॉर्डिंग टू हर, और उसके अनुसार वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन अमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, तो एक जो व्याख्या बतलाती है कि क्यों उन लोग खाली पैर रहते हैं, तो उसका एक कारण तो ये है जो बताती है लेखिका, बताती है अपने अनुसार, ऑफ दिस हैबिट मतलब ये जो आदत है रिमेनिंग बेयरफुट, जो कि उन लोग खाली पैर रहते हैं, बेयरफुट मतलब खाली पैर रहते हैं, इज दैट, वह यह है, इट इज अ ट्रेडिशन अमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, कि ये एक क्या है, रीति रिवाज है, परंपरा है, ट्रेडिशन का अर्थ है रीति रिवाज या तो परंपरा है, किनके बीच में, गरीब बच्चों के बीच में, इस देश के जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच में ये एक परंपरा है, ऐसा वो एक तो कारण बताती है। हाउएवर द ऑथर क्विकली मेंशंस, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है लेखिका हम लोग को तुरंत अगला कारण भी बताती है, क्विकली मेंशंस मतलब तुरंत वो बताती है, दैट कॉलिंग इट अ ट्रेडिशन, कि एक परंपरा बताना या तो रीति रिवाज बताना कुड बी जस्ट अ मींस ऑफ जस्टिफिकेशन, वो तो एक तरह का क्या है, बहाना है, ऑफ द अटर डिस्टिट्यूशन, क्योंकि उन लोग बहुत गरीबी में हैं, डिस्टिट्यूशन मतलब बहुत ही अधिक गरीब की स्थिति में है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा, तो उससे बचने के लिए या तो अपनी गरीबी छुपाने के लिए एक तरह से उन लोग बोल देते हैं कि उनका क्या है, एक परंपरा है या तो उनका रीति रिवाज है नंगे नंगे पैर रहना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहेब ए आलम खुश है चाय की दुकान में काम करके, वर्णन करो, क्या वो खुश है, पहले तो वो कूड़ा करकट
सुनता था, कूड़ा करकट बीनता था, लेकिन अभी वो चाय की दुकान में काम कर रहा है। क्या वह अपने इस काम से खुश है? वर्णन कीजिए। तो हम आगे देखते हैं, साहेब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो साहेब जो है वह हकीकत में खुश नहीं है चाय की दुकान में काम करते हुए। बिकॉज वर्किंग फॉर वह मास्टर मेंट सैक्रिफाइसिंग हिज फ्रीडम एंड हिज केयरफ्री लुक। क्योंकि मालिक के लिए काम करना, वर्किंग फॉर अ मास्टर मतलब मालिक के लिए काम करना, जिसका अर्थ हुआ बलिदान करना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करना, त्याग करना, त्याग अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को त्यागना। एंड हिज केयर फ्री लुक, और वो जो निश्चिंतित निश्चिंतित था, किसी भी तरह का उसके मन में चिंता नहीं था, स्वतंत्र था। तो ये सभी, एक तो उसकी आजादी और उसका निश्चिंतता का जो भाव था, उसको क्या कर दिया, त्यागना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस कर दिया, अगर मालिक के लिए काम करना है तो। और इसीलिए वो खुश नहीं था। इवन दो द जॉब द टी स्टॉल पेस हिम 800 रुपीज। हालांकि इवन दो ये जो नौकरी था, ये जो काम था चाय की दुकान में, उससे उसको 800 रुपए मिलते थे, और साथ ही साथ उसका पूरा भोजन, ऑल His meals, meals करते भोजन, उसका पूरा भोजन मिलता था। He seems less contented than before। इसके बावजूद भी वह बहुत कम संतुष्ट दिखाई देता है पहले के सिवाय। contented मतलब संतुष्ट होना, मतलब वो less मतलब कम संतुष्ट दिखाई देता है पहले के सिवाय। पहले वो स्वतंत्र था, वो खुद का मालिक था, जहां चाहता था जब चाहता था वो कूड़ा करकट में वो कुछ खोजने चला जाता था, लेकिन वो अभी किसी के अधीन में है, और इसलिए वो पहले की अपेक्षा कम संतुष्ट है। द वेट ऑफ हिज मास्टर्स स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन हिज रैग पिकिंग प्लास्टिक बैग। तो द वेट, वजन, वेट का अर्थ होता है वजन। तो उसका जो मालिक का जो केतली है, मालिक का जो केतली है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत अधिक वजन है किसकी तुलना में, उस रैग पिकिंग कूड़ा उठाने की प्लास्टिक का जो बैग था उसकी तुलना में ये अधिक वजन है। तो यहाँ लिटररी नहीं बोला गया है, कहने का अर्थ यहाँ ये है कि वह अभी किसी के अधीन में काम कर रहा है, वो खुद का मालिक नहीं है, अभी तो केवल नौकर है। पहले तो खुद का मालिक था, जब चाहता था जहां चाहता था वो जा सकता था और स्वतंत्र था, लेकिन अभी वो उसकी आजादी अभी छिन गई है, उसकी स्वतंत्रता अभी छिन गई है, और इसीलिए ये जो चाय की जो केतली है वो अधिक वजन लग रहा है, क्या से, उस प्लास्टिक बैग से। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंक सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 20। तो ये पेज नंबर 20 का कुछ क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो 20, पेज नंबर 20 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सेकंड स्टोरी से है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो कैसे, हाउ, कैसे, आपके विचार से, इन योर ओपिनियन, आपके विचार से मुकेश एहसास कर सकता है अपना सपना को, कैसे अपना सपना को एहसास कर सकता है, अनुभव कर सकता है आपके विचार से। आंसर, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। मोस्ट ऑफ द यंग मेन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। तो बहुत सारे जो नौजवान लड़के हैं जो फिरोजाबाद में रहते हैं, वो किसी भी तरह का कोई पहल नहीं करते हैं, कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, इनिशिएटिव मतलब कुछ दूसरा कार्य नहीं करते हैं, या उनके पास एबिलिटी नहीं है, सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं है टू ड्रीम मतलब कुछ सपना देखने का, अलग सपना देखने का, सिवाय उन लोग क्या बनाते हैं, वहां चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाने के या तो चूड़ी का व्यवसाय के अलावा कुछ अलग करने का या तो कुछ दूसरा सपना देखने का उनमें एबिलिटी या क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट, मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, लेकिन मुकेश थोड़ा बहुत वो साहस करता है सपना देखने का। ही हैज द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड टू ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। तो उसके पास कुछ तो सपना
शक्ति है, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वो समर्थ है टू टेक करेज, वो हिम्मत कर सकता है, एंड ब्रेक और तोड़ सकता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। तो उनका जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो उनका व्यवसाय है, क्या चूड़ी बनाने का व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। तो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका व्यवसाय है, चूड़ी बनाने का व्यवसाय है, जो चला आ रहा है, तो मुकेश में ऐसा हिम्मत है, वही एक मतलब एक सपना देख सकता है और इस परंपरा को, चूड़ी बनाने की परंपरा को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो, तो उसके एक बहुत बड़ा क्या है, इच्छा शक्ति ही है उसके पास। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पोन इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन, वह नहीं चाहता है कि वह दलालियों का, बिचौलियों का क्या बने, खिलौना बने। पोन, पोन का अर्थ है जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो, नियंत्रण हो, वो उसको चलाए, तो वो उनका खिलौना नहीं बन सकता है, बनना चाहता है किसके हाथ का खिलौना, द मिडल मैन। मिडल मैन मतलब जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं। अगर मैं कुछ कृषि किसान हूं मान लो, और मैं कृषि उपजाता हूं या कुछ सब्जी फल इत्यादि उत्पादन करता हूं, और उसको मैं दलालों के पास कम दाम में बिक्री कर देता हूँ, लेकिन दलाल जो है मेरे से कम दाम में खरीद करके उसको बहुत ऊंची दाम में दूसरों को बिक्री करते हैं, और जो भी फायदा होता है वो अपने पॉकेट में डालते हैं। तो जो जो अधिकार या जो पैसा हमको मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिलता है, लेकिन किनको मिलता है, बिचौलियों को मिलता है, दलालों को मिलता है। तो उनका ये खिलौना बनना नहीं चाहता है कौन, मुकेश, क्योंकि उनका कमाई का जो हक होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, इनके परिवार ही नहीं मिलता है। मनी लेंडर्स मतलब जो साहूकार होते हैं उनको मनी लेंडर्स बोला गया है, तो उनका ये खिलौना बनना नहीं चाहता है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह बार बार जोर देता है, इंसिस्ट ऑन का अर्थ होता है जोर देना, बीइंग हिज ओन मास्टर कि वह खुद का मालिक बने, बाय बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, कैसे, वह एक गाड़ी सुधारने वाला मिस्त्री बनकर के वो खुद का मालिक बनना चाहता है, खुद का गैराज खोलना चाहता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, वह अपना सपना को साकार कर सकता है, बाय ज्वाइनिंग अ गैरेज, वह किसी भी गैरेज में ज्वाइन करके वो अपना सपना को साकार कर सकता है। एंड लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग, वहां जाकर के वो कार को कैसे मरम्मत करना है या तो उसको कैसे चलाना है, ये सभी वो सीख सकता है। कौन, मुकेश। ही विल हैव टू ओवरकम मेनी हर्डल्स बिफोर ही सक्सीड्स, तो इसको ऐसा करने के लिए उसको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा। ही विल हैव टू ओवरकम, ओवरकम मतलब जीतना पड़ेगा, मेनी हर्डल्स, मेनी हर्डल्स मतलब बहुत सारी बाधाओं को, हर्डल्स का अर्थ होता है बाधा, बहुत सारी बाधाओं को उसको जीतना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, बिफोर ही सक्सीड्स, इससे पहले कि उसको सफलता मिले उसको बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट, और तब आता है क्या, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यातायात की समस्या। मनी इज द फर्स्ट वन, अगर उसके पास पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। ही विल हैव टू अर्न सम मनी, तो उससे पहले तो उसको कुछ पैसे कमा आना होगा हिमसेल्फ, खुद से। द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, क्योंकि ये जो सीमा पूरी है दिल्ली के आखिरी छोर में है, दिल्ली के आखिरी छोर में है, और उसको बड़े शहर में उसको क्या करना पड़ेगा, गैरेज खोलना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, उसके गांव के आसपास गैरेज नहीं मिलेगा। तो अगर काम सीखना है और मोटर कार इत्यादि को मरम्मत करना है तो उसको शहर में आना पड़ेगा। तो सीमा पूरी से दिल्ली तक का जो यात्रा है वो बहुत दूर है, लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से बहुत दूर है, उसको क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे, तो इसको उसको 2 दिन, एक दिन में 2 बार कवर करना पड़ेगा इस लंबी यात्रा को, क्योंकि तो एक बार तो वो घर से आएगा और काम करने के बाद वो फिर से जाएगा, तो प्रत्येक दिन आना और उसको जाना पड़ेगा। एनी हाउ बाय वॉकिंग ऑन फुट, जैसे भी कैसे करेगा वो, फुट मतलब पैदल ही उसको कवर करना पड़ेगा 2 बार एक दिन में, तो क्या करना पड़ेगा उसको, पेशेंस, धैर्य, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, फर्म विल, दृढ़ इच्छा शक्ति,
एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न, और उसका मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति सीखने का, ये उसको मदद करेगा, विल हेल्प, उसको मदद करेगा हिम रियलाइज हिज ड्रीम, उसको अपना साकार, अपना सपना को साकार करने में ये सभी चीज उसको क्या करेगा, मदद करेगा। तो हम देख रहे हैं कि मुकेश जो है उसका पूरा परिवार, उनके दादा परदादा क्या का व्यवसाय करते थे, चूड़ी बनाने का व्यवसाय, और उससे चूड़ी बनाने के व्यवसाय से कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता था, सपना भी नहीं देख सकता था, लेकिन मुकेश में वो जज्बा है, वो चूड़ी बनाने के व्यवसाय से कुछ अलग करना चाहता है, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा से वो उसको तोड़ना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो कार मैकेनिक हम लोगों के लिए तो एक छोटा मोटा मतलब नौकरी है, हम तो कभी मतलब आईएएस बनने की सोचते हैं, कुछ बड़ा अधिकारी बनने की सोचते हैं, लेकिन मुकेश के लिए यह बहुत ही एक आईएएस ऑफिसर बनने की तरह है, क्या एक कार मैकेनिक बनना, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति क्या है, बहुत ही गरीब है, और कम से कम उनके लिए बहुत बड़ा सपना है क्या एक कार मैकेनिक बनना, क्योंकि सब उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार लोग, उनके गाँव के सभी लोग क्या काम करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो आप सभी के लिए क्या है, एक सीख है कि अगर हम सपना देखते हैं, कुछ बड़ा सपना देखते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर हमको भी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तो कोई भी जो हम डिस्टेंस या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो क्या चीज जो है फिरोजाबाद शहर को बहुत अधिक प्रसिद्ध बना देता है, फिरोजाबाद शहर बहुत प्रसिद्ध है। आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, तो फिरोजाबाद शहर जो है वो अपनी चूड़ी के लिए वो प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर एक दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में संलग्न है, एंगेज मतलब संलग्न है। इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये क्या है, एक केंद्र है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मैंने पढ़ाते इसमें इसका एक्सप्लेन कर दिया है। फैमिलीज हैव स्पेंट जेनरेशंस, तो परिवार जो है कई पीढ़ियां यहां बिता चुकी हैं, जेनरेशंस मतलब पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टी के चारों ओर काम करते हुए, फर्नेसेस का अर्थ है भट्टी, तो भट्टी के चारों ओर काम करते हुए कई पीढ़ियां यहां बिता चुके हैं। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए टांका लगाते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए नारियों के लिए चूड़ियां बनाते हुए इन द लैंड, इस धरती पर तुमने पूरा अपना पीढ़ी ही गुजार दिए हैं, ये हो गया, इसीलिए क्या है फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, तो क्या कारण हो सकता है कि लोग गांव की ओर से उन लोग पलायन करते हैं, गांव से उन लोग शहर की ओर आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो आंसर नेक्स्ट, देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो बहुत सारे कारण हैं दैट कॉज माइग्रेशन, जो कि उनको पलायन के लिए मजबूर कर देती है, ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, गांव से शहर की ओर पलायन करने के लिए उनको मजबूर कर देती है। Some villagers voluntarily move to the cities. कुछ गांव वाले जो हैं स्वेच्छा से voluntarily मतलब स्वेच्छा से उन लोग शहर की ओर चले आते हैं, सिटी शहर की ओर चले आते हैं। In search of jobs, क्या की खोज में उन लोग नौकरी की खोज में शहर की ओर चले आते हैं। And better civic और अच्छे नगर की खोज में, सिविक का अर्थ है नगर, अच्छे टाउन की खोज में। And health facilities और जहां पर सब प्रकार का चिकित्सा सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, तो आज की परिस्थिति में सभी लोग शहर की ओर, गांव से शहर की ओर बसना चाहते हैं। अदर्स आर फोर्स्ड, तो कुछ दूसरे लोग तो उनको मजबूर हो जाते हैं, फोर्स मतलब मजबूरी में उन लोग शहर की ओर आते हैं। फोर्स्ड माइग्रेट, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्राउट, फामिन एक्सेट्रा, तो बहुत सारे लोगों को मजबूरी में आना पड़ता है, कब सब कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदा, लाइक फ्लड जैसे कि बाढ़, स्टॉर्म आंधी तूफान, ड्राउट सूखा,
फामिन सूखा, ये दोनों सूखा है, सूखा से संबंधित है, ड्राउट और फामिन भी एक दूसरे से संबंधित है। तो इस परिस्थिति में जब बारिश नहीं होती है तो लोग काम की खोज में शहर की ओर पलायन करने लगते हैं। डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज, ये सभी जो प्राकृतिक आपदा है उनके घर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और उनकी संपत्ति को भी नष्ट कर देता है, और इसलिए मजबूरन वे शहर की ओर पलायन करते हैं। हिस्ट्री हैज रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैज रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशंस कॉज्ड बाय वार्स, तो इतिहास में भी दर्ज है कि बहुत बड़े बड़े पलायन हुए हैं, लोग क्यों पलायन किए हैं, युद्ध के कारण भी बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं शहरों की ओर। Also, many villages who are better off than others, और बहुत सारे गांव वाले जो दूसरों से धन दौलत में या तो अपने जीविका उपार्जन में कुछ अच्छे हैं, better than others, मतलब दूसरों से अच्छे हैं, थोड़ा उन लोग धन संपन्न हैं, manage to send their children, वो अपने बच्चों को शहर की ओर पढ़ने भेज देते हैं, to study in the cities, मतलब शहर की ओर पढ़ने भेज देते हैं। In the lesson Lost Spring, ये जो पार्ट है Lost Spring, साहेब and his family migrates, साहेब और उसका परिवार जो है पलायन करते हैं तो सीमापुरी, कहाँ पर उन लोग पलायन करते हैं, सीमापुरी जो कि दिल्ली का आखिरी शोर है, फ्रॉम ढाका, कहाँ से उन लोग पलायन करते हैं, ढाका से। After their houses were destroyed, जब उनका घर क्या हो गया, नष्ट हो गया, in the storm, आंधी तूफान में उनका घर जब नष्ट हो गया, इन लोग भी दिल्ली की ओर पलायन कर लेते हैं, सीमा और जाकर के सीमापुरी में बस जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट, वुड यू अग्री, क्या आप सहमत हो, द प्रॉमिसेस जो वादा किया जाता है पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों के लिए आर रेयरली, वे मुश्किल से उनको रखा जाता है, जो वादा तो किया जाता है लेकिन उसको कभी पूरा नहीं किया जाता है या तो बहुत कम पूरा किया जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, आप क्यों सोचते हो कैसा होता है, इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट, जो कि इस कहानी में बताया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, तो इसके आधार पर आप अपना उत्तर दीजिए। हम आगे देख लेते हैं। As the promises made to poor children are seldom kept. Yes, the promises made to poor children are seldom kept. तो हाँ, जो वादा किया जाता है गरीब बच्चों के लिए उसको बहुत कम निभाया जाता है, बहुत कम उसको रखा जाता है। Often, बहुधा, they are not taken seriously. तो बहुत बार तो उसको गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है, सीरियसली मतलब गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है, और have been made on the pretext of retaining a child's fancy for something, और कई बार तो उसको have been made मतलब कई बार उसको मतलब बहाना बना दिया जाता है, pretext of retaining, बहाना बना करके उसको लोग लटका करके रखते हैं, retaining मतलब लटका करके रखते हैं, a child's fancy, इच्छा, जो बच्चे का इच्छा है उसको दूसरा में लगाने के लिए, फॉर समथिंग मतलब जो बच्चे की इच्छा है उसको किसी दूसरे चीज में लगाने के लिए कई बार उसको उन लोग ऐसे ही लटका करके रखते हैं, उसका वादा को उन लोग पूरा नहीं करते हैं। दिस कीप्स द चाइल्ड होपिंग फॉर अ बेटर पॉसिबिलिटी, और ये जो है बच्चे के मन में एक तरह से आशा जागृत कर देता है कि वो कुछ अच्छा होगा बोल के वो इंतजार करता रहता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना रहती है कुछ अच्छा होने की, टिल ही और सी रियलाइजेस द ट्रुथ, और बाद में जब जो बड़ा हो जाता है, जब उसको एहसास हो जाता है कि सच्चाई क्या है। इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू शैटर द चिल्ड्रंस ड्रीम्स, तो ये बहुत कठिन है, इट इज डिफिकल्ट बहुत कठिन है फॉर पीपल, लोगों के लिए, Shatter the children's dream, तो बच्चों का ये जो सपना होता है उसको बिखेरना, shatter मतलब बिखेरना, उसको बिखेरना बहुत कठिन होता है। While it is also painful, और ये बहुत ही दर्दनाक भी होता है, to see these children, इन बच्चों को देखते हुए, इन बच्चों को देख करके, thrive of false hopes, जो कि given to them, जो कि उनको झूठे वादा किया जाता है, उस पर उन लोग कितना
खुशी खुशी उन लोग काम करते हैं, उसको पूरा होने की उन लोग सोचते हैं, तो उनको ऐसा देख करके दुख भी होता है। वंस व्हाइल इंटरैक्टिंग विद साहेब, ये हमारे पाठ्य पुस्तक से वर्णन बताया जा रहा है, एक बार इंटरैक्टिंग विद साहेब, जब साहेब से बातचीत हो रही थी, द नरेटर एंड्स अप एनकरेजिंग हिम टू स्टडी एंड जोकिंगली टॉक्स अबाउट ओपनिंग अ स्कूल हरसेल्फ। तो जो हमारा नरेटर है, लेखिका है अनिस जंग, एंड्स अप एनकरेजिंग हिम, तो वो उसको प्रोत्साहन देते हुए कहती है साहेब के आलम को कि वो क्या करे, पढ़ाई करे, स्टडी, एंड जोकिंगली टॉक्स, और मजाक करते हुए बोलती है अबाउट ओपनिंग अ स्कूल हरसेल्फ, कि वो खुद ही क्या करने जा रही है, स्कूल खोलने जा रही है, वो मजाक में ऐसा बोल देती है। एट दैट टाइम शी फेल्स टू रियलाइज, उस समय वो असफल हो जाती है ये एहसास करने के लिए लेखिका, दैट अननोविंगली, मतलब अनजाने ही, शी हैज सोन अ सीड ऑफ होप, अनजाने ही वो एक बीज, सीड का अर्थ है बीज, सोन सोन का अर्थ होता है बोना, तो वह आशा का बीज उसके दिमाग में बो दी है, अनजाने ही आशा का जो बीज है वह उसके दिमाग में बो दी है, इन साहेब हार्ट, मतलब साहेब के हृदय में। सी बिकम्स कॉन्शियस, और उसको बाद में एहसास होता है, सी बिकम्स कॉन्शियस मतलब बाद में एहसास होता है ऑफ हर मिस्टेक, अपनी गलती का, व्हेन आफ्टर अ फ्यू डेज, क्योंकि कुछ दिन बाद साहेब अप्रोचेस है, साहेब उसके पास आता है, इंक्वायरिंग अबाउट हर स्कूल, उसके स्कूल के बारे में पूछताछ करते हुए, हर होलो प्रॉमिस लीव्स हर एम्बरास, और उसका ये जो खोखला, होलो होलो का अर्थ होता है खोखला, जो वादा की थी, और उसके लिए वो शर्मिंदगी की महसूस, शर्मिंदगी महसूस करती है, उसको शर्मिंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, तो जो चूड़ी का कारखाना है वहां कितना कितना खतरा होता है, कितना एक खतरनाक है काम करना, उसका वर्णन करो, बोला गया है। द इम्पोवरिस्ट वर्कर्स, ये जो इम्पोवरिस्ट मतलब ये गरीब, गरीबी गरीब काम करने वाले, ये जो गरीब लोग काम, गरीब काम करने वाले, गरीब परिवार के लोग हैं जो काम करते हैं, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, तो चूड़ी का जो कारखाना है उसमें उन लोग बहुत मेहनत करते हैं, टॉइल, टॉइल का अर्थ होता है मेहनत करते हैं, इम्पोर्टेंशियली हकीकत में उन लोग बहुत मेहनत करते हैं, हजार्डस वर्किंग जो कि बहुत ही काम करने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, कंडीशंस हजार्डस वर्किंग कंडीशन मतलब बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में भी उन लोग काम करते हैं, व्हाइल वेल्डिंग जब जब वे उसको वेल्डिंग करते हैं, टाका लगाते हैं, द फर्नेस दे वर्क इन हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो जो भट्टी होता है जहां पर उन लोग काम करते हैं बहुत ही अधिक, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही अधिक उसका तापमान बहुत ऊंचा रहता है, बहुत अधिक तापमान ऊंचा रहता है, एंड लैक प्रॉपर वेंटिलेशन, और जो कमरे में उचित रोशनदान भी, उपयुक्त रोशनदान भी नहीं होता है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का अर्थ होता है रोशनदान, जहां से वायु प्रवेश कर सके या तो वायु निकल सके, परसिस्टेंटली वर्किंग इन लो लाइट, और लगातार परसिस्टेंटली मतलब आप लगातार काम कर रहे हैं कम प्रकाश में, लो लाइट, कम प्रकाश में या डिम लाइट में, डिम लाइट की परिस्थिति में, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव ईयर गेप, और आपको आपके आंख के लिए भी कोई उपकरण दिया गया नहीं, वो आपके आंख की रोशनी को बचाने के लिए, लीव्स देम ब्लाइंड, और इससे उनकी आंख जो है चली जाती है, आंख की रोशनी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं, इवन बर्न्स एंड कट्स आर क्वाइट कॉमन, यहाँ तक कि बहुत बार जल भी जाते हैं और कुछ कुछ कट भी हो जाता है, तो मतलब एक सामान्य सी बात हो जाती है जो कि इस कारखाने में, चूड़ी के कारखाने में काम करते हैं उनके लिए, द वर्कर्स आर क्वाइट प्रोन टू एलिमेंट्स, और ये जो काम करने वाले हैं वे ग्रसित हो जाते हैं, प्रोन, प्रोन का अर्थ होता है बीमार से, ग्रसित हो जाते हैं क्या में, बीमार में, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अर्थ होता है बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, लंग कैंसर, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, इस तरह की बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री
हिस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पोहर की। तो क्या ताकत है, फोर्सेस का अर्थ है यहाँ पर ताकत, कौन सी ताकत है या क्या ताकत है जो कि षड्यंत्र तरीके से, कंस्पायर मतलब षड्यंत्र रचते हैं टू कीप द वर्कर्स, ताकि इन काम करने वालों को यहाँ रखा जा सके, इन बैंगल इंडस्ट्री चूड़ी के कारखाने में, फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखाने में उनको गरीबी ही रखा जा सके। तो क्या षड्यंत्र के तहत या कौन सी ताकत है जो कि षड्यंत्र के तरह उनको, षड्यंत्र के तहत उनको चूड़ी के कारखाने में गरीबी ही रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। आंसर द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम। तो अनुपयुक्त, अनफेवरेबल मतलब अनुपयुक्त सामाजिक और न्यायिक सिस्टम, सामाजिक और न्यायिक सिस्टम, द डिसेप्टिव मिडलमैन, ये धोखेबाज बिचौलिए या तो दलाल, एंड देयर ओन सैड डिस्टिनी, और उनका खुद का जो डिस्टिनी है, गंतव्य है या उनका जो लक्ष्य है, कीप द वर्कर्स इन अ बैंगल इंडस्ट्री। तो ये सभी चीजें जो है, जो काम करने वालों को चूड़ी के कारखाने में, फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखाने में उनको हमेशा के लिए कभी नहीं खत्म होने वाली गरीबी में ढकेल देता है। ये सभी जो कारक हैं उनको कभी नहीं खत्म होने वाली परपेचुअल पॉवर्टी मतलब जो गरीबी कभी नहीं खत्म होने वाली दलदल में उनको ढकेल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। क्यों बाल श्रम, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम को समूल नष्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड। तो जो चाइल्ड लेबर है या जो बाल श्रम है उसको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से अपना बचपना छीन लेता है, टेक्स अवे मतलब ले जाता है फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चे से अपना बचपना छीन लेता है, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और उनका जो प्रारंभिक शिक्षा उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाता है। मोर ओवर इससे भी अधिक, सिंस द चाइल्ड लेबर्स आर चीप, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम जो है, बहुत आसानी से सस्ता में मिल जाता है, एंड कंसिक्वेंटली, और जिसका परिणाम एंगेज्ड इन हजार्डस एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट, और उसी के परिणाम इन लोग संलग्न होते हैं बहुत ही खतरनाक एम्प्लॉयमेंट, काम करने में उनका नियुक्ति हो जाती है, क्योंकि उनको आसानी से मिल जाता है काम, ये जो बाल श्रम है आसानी से मिल जाता है, और उन लोग बहुत ही खतरनाक कारखानों में उनको काम करने के लिए लगा दिया जाता है। दे आर ऑफन वल्नरेबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, और उन लोग कई बार तो उनको दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से उन लोग बीमार हो जाते हैं, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उनको खतरा सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, तो ये जो समस्या है इसको हटाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू मेक एजुकेशनल एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल, ताकि इसको हटाने के लिए शिक्षा को आसानी से उन तक पहुंचाई जाए, ये बहुत ही अधिक क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्व की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इन सब के अलावा, पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर, उनके माता पिता को जागरूक करना होगा, कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट्स, इस परिस्थितियों में काम करने से उसका परिणाम क्या होता है, इन सब बातों से उनके माता पिता को भी क्या करना होगा, जागरूक करना होगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर, ये भी महत्वपूर्ण है कि हम पब्लिक को भी जागरूक करें, लोगों को भी हम जागरूक करें, ऑफ द फैक्ट उस सच्चाई से दैट चाइल्ड लेबर इज अ क्रिमिनल, कि बाल श्रम जो है एक अपराध है, ऑफेंस, एंड इट इज पनिशेबल अंडर लॉ, और इसको इससे सजा मिल सकती है नियम के तहत, अंडर लॉ मतलब नियम के तहत, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर स्ट्रिक्टर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टर चाइल्ड लेबर लॉस एंड दैट द ऑफेंडर्स आर पनिश्ड। सरकार को चाहिए कि वो इतना तो निश्चित करे कि कठिन से कठिन क्या बनाए, बाल श्रम के विरुद्ध नियम बनाए, और जो भी बाल श्रम ये छोटे बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए लगाते हैं या तो इनको प्रताड़ित करते हैं, उनको कठिन से कठिन सजा मिले। क्वेश्चन नंबर 8,
हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो विचार है इस परिस्थिति में अपने परिवार से किस तरह से अलग है, उसका विचार अपने परिवार के लोगों के विचार से किस तरह से वो अलग है। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं। इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सस फैमिलीज यूजुअली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, हालांकि जो सभी बच्चे हैं अपने परिवार का जो व्यवसाय होता है उसी को उन लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर चूड़ी बनाने उसके माता पिता चूड़ी बनाते हैं तो उसका बेटा भी उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, मतलब वो भी चूड़ी बनाएगा। मुकेश वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक, लेकिन देखो मुकेश के बगैर अगर बात आती है तो चूड़ी बनाना नहीं चाहता है, वो मोटर मैकेनिक एक गाड़ी रिपेयर करने वाला मिस्त्री बनना चाहता है, एंड ड्राइव अ कार और वो कार चलाना चाहता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों की तरह नहीं, एंड अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी, और भी जो दूसरे लोग हैं उस परिवार के उनके उनके तरह नहीं है वो। ही हैज डेयर टू ड्रीम, वो सपना देखने का साहस करता है। हिज ग्रैंड मदर्स वर्ड्स अबाउट द अनब्रेकेबल लीनेस रिप्रेजेंट द एटीट्यूड दे हैव टुवर्ड्स देयर सिचुएशन इन लाइफ। तो उसकी जो दादी माँ है उसके शब्दों से हम लोगों को स्पष्ट पता चलता है कि वो बोलती है कि ये जो उनका परंपरा है दादा परदादाओं से यही व्यवसाय उन लोग करते आ रहे हैं, और ये तो मतलब भगवान हमारा किस्मत में ही लिखा हुआ है क्या चूड़ी बनाना, ये तो भगवान ही दिया है जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस तरह का उनके परिवार मतलब उनके परिवार के सदस्यों का विचार को रखता है कि कैसा उन लोग विचार रखते हैं। दे हैव टुवर्ड्स देयर सिचुएशन, अपनी परिस्थिति में दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं दैट इट इज देयर डेस्टिनी, तो वे वही सोचते हैं कि वही उनका क्या है कर्म है। टू टॉयल एज बैंगल मेकर, कि वो इसी तरह मेहनत करे संघर्ष करे और सूढ़ियां बनाए। बट मुकेश ड्रीम्स ऑफ अ बेटर एंड सेफर कैरियर, लेकिन जो मुकेश है वो सपना देखता है कुछ अच्छा करने का और कुछ सुरक्षित अपना करियर को सुरक्षित रखने का वो सपना देखता है। द रिजोल्यूट बॉय इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू लर्न टू बी अ मैकेनिक। तो जो दृढ़ निश्चय बालक, रेजोल्यूट बॉय मतलब दृढ़ निश्चय बालक जो है वो विलिंग, वो चाह रहा है टू वॉक, कि वो पैदल चले अलोंग डिस्टेंस, जो बहुत लंबा रास्ता है वो पैदल ही चले, क्या के लिए फ्रॉम हिज होम अपने घर से, टू लर्न सीखने के लिए कि वो कैसे एक मिस्त्री बनेगा। एग्जाम्पलीफाइंग द सेइंग, और वह उदाहरण स्वरूप वो बोलता है, वेर मतलब जो कहावत है उसको वो साकार कर रहा है। वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, कहा भी जाता है जहां पर जहां चाह वहां राह। तो इस कहावत को क्या कर रहा है मुकेश, साकार कर रहा है। नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 21, तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो पेज नंबर 21 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर। Although this text speaks of factual events and situations of misery it transforms these situations with almost poetical prose into a literary expressions. How does it do so? Here are some literary device. तो जो लिटरेचर की भाग की बात किया जा रहा है, जैसे काव्य में जो उपमा होता है, जो अलंकार होता है, रूपक अलंकार, तो वो उसका किस तरह से प्रयोग किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसका कैसे प्रयोग किया गया है और कहानी को और अधिक उनका प्रयोग करके रोचक बनाया गया है, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। पोएटिक डिवाइस मतलब किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ दिया है हाइपरबोल। ये हाइपरबोल क्या होता है, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। तो हाइपरबोल इज अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग देन इट रियली इज। तो हाइपर जोर बोल जो है वो किसी भी चीज को हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसको कहा जाता है हाइपर बोल, जो
जो हकीकत में नहीं है लेकिन हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, उसी को कहा जाता है हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो देखो, उनके लिए जो एक कूड़ा करकट था, उनके लिए क्या था? सोना था। मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, कूड़ा करकट क्या हो, क्या सोना हो सकता है किसी के लिए? नहीं हो सकता है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। मतलब उनके लिए क्या था? एक जीविका का साधन था। कौन? कूड़ा कचरा। अ मेटाफर, एज यू मे नो, कंपेयर्स टू थिंग्स और आइडियाज दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। तो मेटाफर जो है, दो चीजों या तो दो विचारों को तुलना किया जाता है मेटाफर में, जो कि समान नहीं है, दे आर नॉट वेरी सिमिलर, जो समान नहीं रहते हैं। मेटाफर डिस्क्राइब्स अ थिंग इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल क्वालिटी और फीचर्स ऑफ सम अदर थिंग। वी कैन से दैट अ मेटाफर ट्रांसफर्स अ क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट। तो मेटाफर भी तुलना किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक या एज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट, तो यहाँ बिना लाइक या एज का ही इसको क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि रोड, ये जो रोड था, सड़क था, वो क्या था? एक प्रकाश था। रिबन ऑफ लाइट एक प्रकाश था। आगे सिमिली, सिमिली भी क्या है, हम तुलना करते हैं एक चीज का दूसरे चीज से, लेकिन इसमें लाइक एज शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिमिली एज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग विद अनदर यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, एज वाइट एज स्नो, मतलब बर्फ की तरह सफेद। केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन ईच एग्जाम्पल। तो यहाँ बहुत सारा और भी है हम लोग, लेकिन ये थोड़ा सा समय लगेगा, हमारे पास टाइम का अभाव है, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। आपको, अगर आप मेरा वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं अपने से, समय की कमी के कारण मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे इसको ड्रॉप स्क्रॉल कर देता हूं। ये बुक से भी आप देख सकते हैं, तो आंसर यहां दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो था, एक छूट गया, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस पार्ट को हम लोग अंत करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको किस तरह का पढ़ाई चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सुझाव दीजिए, ताकि मैं उस तरह का आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।